ड्रीम्स, गोल्स एंड पर्पस, उनके पूरे जबरदस्त तरीके से उनके ड्रीम होते हैं और पूरा उनका जबरदस्त उस तरीके से माइंडसेट होता है, बिग ड्रीम होते हैं और वो उनके लिए फाइट करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं कि मैं हासिल करूंगा, मैं एट एनी कॉस्ट ये हासिल करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको बताऊं हमारा जीवन कैसे है बिना ड्रीम्स के। बड़े लोग हैं जिनका कोई पूछा जाए क्या गोल है, जिंदगी गोल है, क्या टारगेट है, बहुत सारे टारगेट है, कहां पहुंचना चाहते हो, जहां ले जाएगी। चलो एक बात मैं आपको बताऊं, आप महसूस करिए, फील करिए, बिना डीजल एंड पेट्रोल के कार फील करिए, बिना गोली के गन फील करिए, बिना रिफिल के पेन फील करिए, बिना पानी के नदी फील करिए, फील फील, बिना ऑडियंस के स्पीकर फील करिए, सोचिए, बिना वॉइस के माइक, बिना लाइट के बल्ब और बिना इंटरनेट के मोबाइल है, ये तो आपकी मीनिंग है। ऐसे नहीं लगता जैसे इंटरनेट चला जाए तो जान ही निकल गई है। कई बार क्या होता है 12:30-1 बजे ना इंटरनेट चले जाता है, हमें लगता है सब कुछ चला गया। तो ऐसे ही जीवन आपका बिना ड्रीम्स के है, बिना सपनों के है, बिना गोल के है, बिना टारगेट के है। आप फील करिएगा, आपको एक फीलिंग तो आई होगी, बिना पानी के नदी, सूखी वीरान। यस और नो? आप किसी से पेन लें और उसमें वो चलता ही ना हो, यही देना था मेरे को, यस और नो? तो ऐसे ही हमारा जीवन है, फील करिए, फील। अगर आपके पास आपको ये नहीं पता कि मेरा कल आज से बढ़िया होगा तो जीने का भी क्या फायदा, बताइए। हमें ये ही नहीं पता कि अगला महीना इस महीने से बढ़िया होगा, हम एफर्ट कैसे डालेंगे, बिना टारगेट के बिना गोल के कैसे जिएंगे, बताइए मेरे को। जिनके पास ड्रीम होते हैं ना उनको कभी भी किसी की कॉल नहीं उठाती, वो खुद उठते हैं। जिनके ड्रीम होते हैं उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी असर नहीं करती। जिनके पास ड्रीम होते हैं वो बेड से अर्ली उठते हैं, ये थोड़ी अपने उठाती जैसे मम्मा उठाती है ना पेपर वाले, उठ जा उठ जा। कई बार तो बच्चे कहते हैं मम्मा मेरा पजामा हाथ में आ गया, उठ जा। आप बताइए, तो पजामे तो जबरदस्त आया तेरा, जबरदस्ती होगी तेरे ना, समझ गया, ठीक ठीक। तो आप सोचिए जिनके ड्रीम्स होते हैं वो बेड से अपने आप उठते हैं, वो अर्ली उठते हैं, वो लेट सोते हैं, ड्रीम ही है जो ड्रीम ही है जो बिना ड्रीम वालों को पुश किया जाता है, कर ले धक्का मारा जाता है, निकल गया निकल गया निकल गया, वो और पुश स्टार्ट होते हैं, और सपनों वाले सेल्फ स्टार्ट होते हैं। सपने हैं जो आपको सेल्फ स्टार्ट करते हैं, सपने हैं जिनके कारण आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में भी आप अपना 200% देते हो, डाउनफॉल में भी आप कम बैक का कमिटमेंट करते हो। अब अमिताभ बच्चन जी को किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने मोटिवेट थोड़ी किया था जब वो जीरो हो गए थे, उनके ड्रीम्स ने करा, उनके टारगेट ने करा, वो सेल्फ स्टार्ट होते हैं। ड्रीम से आपको आपके सेल्फ स्टार्ट करते हैं। मैंने किसके लिए काम किया, मैंने अपने माँ बाप के ड्रीम के लिए काम किया, मैंने अपने घरवाली के ड्रीम के लिए काम किया, मैंने अपने फैमिली के ड्रीम के लिए काम किया, मैंने
अपने घर वालों के माता पिता के साइकिल को कार में कन्वर्ट करने के लिए काम किया। मैंने अपने जो है एक गरीब एरिया वाले घर को बहुत बढ़िया एरिया वाले घर में कन्वर्ट करने के लिए काम किया। मेरे माता पिता को हमारे करोड़पति रिलेटिव अपनी शादियों पर नहीं बुलाया करते थे, तो उनको वो चीफ गेस्ट बुलाएं इसलिए हमने काम करा। जिसको बाहर वाले अपलाइन की कॉल, सीनियर की कॉल, अगर आपको दुनियादारी की नेगेटिविटी नेगेटिव कर रही है ना, जाओ जाके डायरी पे बड़ा टारगेट लिखो। अगर आप कह रहे हो ना नेगेटिविटी बहुत है, एक ड्रीम और लिख दो। अगर आपको लगता है ना मेरा काम डाउन में आ गया है, डाउन में अप आने वाले को ही हीरो बोला जाता है। और जो ड्रीम होते हैं गोल होते हैं, पर्पस होता है, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करके गोल को पर्पस में जब बंदा कन्वर्ट करता है, और देखो सपने वो नहीं होते, वही सुनने को तो बहुत ज्यादा सुना होगा, सपने वो नहीं होते जो रात को सोने के बाद आते हैं, अरे कमबख्त सपने वो हैं जिनको देखने के बाद बंदा सोना छोड़ देता है। ये सब वही तो ड्रीम होते हैं, वही तो टारगेट है। बिग ड्रीम, मीनिंगफुल ड्रीम्स और टारगेट ओरिएंटेड ड्रीम्स। तो आज से ड्रीम्स पे काम होना चाहिए। यस और नो? बिना ड्रीम के अभी लिखकर लेके जाइए। मेरे को याद है मेरी अपल मेरे सीनियर ने बोला, सर आप लिख दो जो आपको चाहिए पहली मीटिंग में। मैंने कार लिख दी, मैंने घर लिख दिया, मैंने सब कुछ लिख दिया। मेरे साथ वाला कह रहा है लिखने से थोड़ी होता है। ठीक है, हमने बोले बा लिख दिया, उसने नहीं लिखा, उसका आज भी कुछ नहीं हुआ, हमारी हर रोज नई लिस्ट बन रही है। सोचिए, सपने हमेशा सच होते हैं। कहते हैं ना, किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाह लो तो पूरी कायनात आपको उसको दिलवाने की कोशिश में लगने दो। क्या ना कायनात को भी फिर काम करने दीजिए उनको भी फिर। यस और नो? तो आपको आज से कौन कहता है कि आज से बड़े बड़े ड्रीम, वो ड्रीम जो आपको अनकंफर्ट करे। मेरे पास हमेशा वो ड्रीम होते हैं जो मेरे को अनकंफर्ट करते हैं। मैं अनकंफर्टेबल जोन में हूं, मैं कंफर्टेबल जोन में हूं। आई हेट कंफर्टेबल जोन, आई हेट बिना प्रेशर वाली जिंदगी। क्यों? क्योंकि मैंने झेला हुआ है यार जॉब में 10 साल, मेरे को पता है। बड़े सीनियर कहते हैं सर हमें प्रेशर आ रहा है। यार नौकरी में तो प्रेशर कुकर पे बिठा देते हैं, सीटी भी नहीं मारने देते हैं।